मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम कैंसर स्टेट के नाम से काफी मशहूर है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 18 साल की ट्रेंड स्टडी के मुताबिक यहां युवा पीढ़ी में कैंसर और इससे हो रही मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। वहीं यहां के पुरुषों में पेट का कैंसर जबकि स्त्रियों में फेफड़ों का कैंसर ज्यादा हो रहा है। आपको बता दें मित्रों, इसके अलावा फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और यकृत कैंसर पुरुषों में आम है, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर महिलाओं में सबसे आम है। वहीं इसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू का बड़ी मात्रा में उपभोग है। आपको बता दें मित्रों, पूरे कैंसर केसेस में तंबाकू का योगदान 30% से ज्यादा है। इसके अलावा स्मोक्ड मांस, सब्जियां, किण्वित सोयाबीन और पोर्क जैसे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ भी बड़े कारक हैं। अंतर्विवाहित जनजाति आबादी में अनुवांशिक गड़बड़ी के चलते भी कैंसर की घटना बढ़ना संभावित है। वर्तमान दर बताती है कि मिजोरम में प्रतिदिन औसतन 3 लोग कैंसर से संक्रमित होते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मिजोरम के आइजोल, चम्फाई, कोलासिब, लुंगलई, ममित और सेरछिप जिले में देश के सबसे ज्यादा पुरुष कैंसर से संक्रमित हो रहे हैं। भारत में कैंसर के बढ़ते केसेस के चलते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर के सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल खोले जा चुके हैं, जिसमें असम और मिजोरम अग्रणी हैं। मित्रों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।